जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकल मुन्ना आज आपके पास लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं चांगामांगा की तरफ, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूँ कि एक्चुअली ये चांगामांगा के जो जंगलात हैं इनका नाम चांगामांगा कैसे पड़ा। इसके बारे में कुछ इस तरह से है कि एक्चुअली ये दो भाई थे जो डाके डालते थे और पेशे के एतबार से ये डाकू थे। अंग्रेज़ों का दौर था और दोनों भाई डाकाजनी करते और कसूर के करीब छोटे से जंगल में जाके छुप जाते। दोनों बड़े ही चालाक थे, एक डाका डालता तो दूसरा मुतासरीन का दुख बांटता और जब दूसरा डाका डालता तो पहला वाला लूटे हुए माल में से कुछ माल लेकर सखी दाता बनकर उनमें तकसीम करने चला जाता। यूं चांगा और मांगा लोगों में वो गोल्ड होते गए और उस वक्त जो दौर चल रहा था वो अंग्रेजों का था, तो ये लोग अंग्रेजों पे भी इसी तरह से डाका मारते और अवाम में कुछ माल तकसीम करते थे, जिसकी वजह से ये अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल होते गए। बरतानवी काम ढूंढते रह जाते लेकिन ये वारदात के बाद उस छोटे से जंगल में जाकर रूपोश हो जाते और इनका कोई पता ना चलता था ये कहाँ गए हैं। इस वजह से इस जंगल का नाम चांगामांगा पड़ गया है। ये एक लोक कहानी है या हकीकत, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। दोनों का अंजाम क्या हुआ इसके बारे में रावी खामोश है, मगर ये जरूर हुआ कि अंग्रेजों ने इस छोटे से जंगल को 12,000 एकड़ रकबे पर फैला दिया। चांगामांगा का जो जंगल है तहसील पत्तों की और जिला कसूर पंजाब में वाक़ है। वैसे तो पाकिस्तान बहुत सारी हैरत अंगेज मुकामात का घर है, उनमें से एक चांगामांगा का जंगल भी है जो कि मुस्नुई जंगल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जंगल है जिसको इंसान के हाथों से उगाया गया है। बरतानवी दौर हुकूमत ने बनाए जाने वाले इस मुस्नुई जंगल का मकसद इस वक्त के स्टीम इंजन को लकड़ी फराहम करना था। चांगा और मांगा के जंगलात सुबह पंजाब के शहर लाहौर से 70 किलोमीटर के फासले पर वाके हैं और ये पत्तों की से 7 किलोमीटर के फासले पे हैं। इसका मंसूबा 1865 में लाहौर, अमृतसर और कराची के दरमियान चलने वाले स्टीम इंजन के लिए सस्ती लकड़ी को फराहम करने के लिए बनाया गया था। चांगा और मांगा के जंगलात का आगाज 1866 में किया गया था और इसका जो इब्तदाई प्लान है वो 1871 में मिस्टर रॉबर्टन जो है उन्होंने तैयार किया था और यहाँ सबसे पहले जो दरख्तों की कटाई हुई थी वो 1881 में बरतानवी हुकाम ने फैसला किया था इसको कि यहाँ पे जंगल की कटाई शुरू की जाए। इस जंगल के एक वसी रकबे पर शीशम की लकड़ी भी उगाई गई है। इस जंगल में जंगली हयात पर मुश्तमिल एक पार्क भी मौजूद है, जबकि एक वाटर टर्बाइन और बच्चों के लिए खेलने के लिए एक वसी एरिया भी मौजूद है। यहाँ आने वाले सियाहत के शौकीन लोगों के लिए एक मखसूस ट्रेन भी चलाई गई है, जो एक छोटी सी ट्रेन है जो कि इस जंगल के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसमें लोग सवार होकर इसकी सैर करते हैं जंगल की। इसके अलावा यहाँ एक मस्नूई झील भी बनाई गई है जिसमें कश्ती रहने के लिए बहुत सारी किश्तियाँ और मोटर बोट्स भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ चांगामांगा के नज़दीक एक रिजॉर्ट भी बनाया गया है जो सयाहों के लिए मखसूस है। 2008 में इस जंगल में जानवरों और परिंदों की तादाद में इजाफे के लिए कुछ एनजीओस ने काम शुरू किया, जिनमें परिंदों के लिए नस्ल बनाने के लिए और उसके साथ कुछ जंगली जानवर जैसे हिरन, कीदड़, सूअर, बारहसिंगा, मोर, उड़ैल जैसे जंगली जानवरों के लिए कुदरती माहौल को फराहम करना था। इसके अलावा गिद्धों के अफजाइशी नस्ल का भी मरकज है। चांगामांगा जंगल में जो झील बनाई गई है बहुत ही ज़बरदस्त है, आप अगर चाहें यहाँ पर तो आप इसकी तफरी ज़रूर कीजिएगा। इसमें बेशुमार ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। वसी बाग है जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, उसके अलावा फुटबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा अगर आपको वहाँ पर जाने का इतफाक हो। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी घने जंगल हैं और बहुत सरसब्ज इलाका है।
जी आप देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ से चकमा के जंगलात शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ से कुछ दूर फासले पे पार्किंग है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने का इंतज़ाम है। तो हम वहाँ पे पहले जाएंगे और अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद हम पार्क की तरफ रवाना होंगे। अभी हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे और आपको उसकी सैर भी कराएंगे। तो सफ़र काफ़ी लंबा था इसलिए आपको मैंने ये छांगा मांगा की कहानी सुनाई, और अब आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं और बाकी सामान हम लेके अपना यहाँ से पैदल सफ़र शुरू करेंगे। काफ़ी बड़ा जंगल है यहाँ पे। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ हद तक यहाँ पे कटाई भी हुई है और जंगल को कुछ थोड़ा सा उन्होंने मुनज़्ज़म किया है सैर तफरी के हवाले से। यहाँ पे सैर तफरी के हवाले से काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क भी हैं जहाँ पे झूले लगे हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये देखिए हमारे कुछ साथी जो हैं वो सामान लेके जा रहे हैं और उनके हाथ में क्रिकेट बैट भी हैं, और ये ऑलरेडी यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी हदायतनामा लिखा गया है, जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं उनमें से ये इस पर दर्ज की गई है हदायतनामे पे। जब आप यहाँ पर जाएँ तो आप ये पढ़ सकते हैं। बाग में काफ़ी सारे फूल पौधे भी लगाए गए हैं डिफरेंट किस्म के, और ये देखिए एक झील है जो कि इसमें किश्ती रानी होती है। यहाँ पे कुछ ब्रिज भी हैं जो कि लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं इंसान यहाँ पे। सब लोग आते हैं जब ये इन पे आप चलेंगे तो ये इस तरह से हिलते हैं जैसे कि अभी गिर जाएंगे, और एक जो है बड़ा अजीब सा एहसास फील होता है यहाँ पे पानी के ऊपर से ब्रिज गुजरते हुए। अब ये जो है आप यहाँ पे आके ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि लफ्ज़ों में बयान करना ये मुश्किल है। ये देखिए कुछ हमारे साथी जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो है कुछ लोग हैं खाने पीने के सामान की तैयारी कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे किश्ती रानी भी करेंगे और आपको हम इस झील की सैर भी कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी है, और ये झील देखने में आपको छोटी लग रही है लेकिन ये काफ़ी बड़ी झील है और काफ़ी वसी रकबे पर फैली हुई है। ये देखिए यहाँ पे ब्रिजेस भी हैं डिफरेंट किस्म के जहाँ से लोग इस पे झील को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं। ये तकरीबन राउंड शेप में बनाया गया है झील को, और इसके अंदर एक बाग है जो काफ़ी घने दरख्तों से घिरा हुआ है। ये देखिए ये झील आप देख सकते हैं, एक तरफ दूसरा ब्रिज है और एक तरफ ये वाला ब्रिज है। इस तरह के काफ़ी सारे ब्रिज यहाँ पे बने हुए हैं, और बीच में आप देख सकते हैं स्लाइड्स भी हैं, और ये एक पगडंडी बनाई गई है जहाँ से आप आराम से गुजर सकते हैं। काफ़ी वसी बाग है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से बनाया गया जंगल है जहाँ पे लोग आके सैर सयाहत करते हैं और इंजॉय करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे परिंदे और जानवर भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पे आके। खूबसूरत नज़ारे हैं, पुरफजा मकाम है, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। और आजकल तो जैसे कि नवंबर दिसंबर है, आजकल ये पार्क में काफ़ी रश होता है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा आप यहाँ पे विज़िट करें, और इसके विज़िट करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। ये देखिए कुछ लोग यहाँ से किश्ती रानी कर रहे हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से मोटर बोट चल रही है, इसके अंदर काफ़ी बड़ी मोटर बोट है, और ये देखिए ये बिल्कुल ब्रिज के पास से गुजरी है। तकरीबन एक वक्त में 20 लोग तक बैठ जाते हैं यहाँ पे, 15 से 20 लोग। इससे पहले कि हम कुछ और एक्टिविटी करें उससे पहले हम अपना ही पेट पूजा कर लें, थोड़ा सा खा पी लें ताकि हमारे में एनर्जी आ जाए। गोलगप्पों का इंतज़ाम हमने किया हुआ है, चना चाट का इंतज़ाम किया है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और बहुत ही मज़ेदार चना चाट है ये, आप भी खाइए। और हम तो चले हैं खाने के लिए, और आप प्लान कीजिए छांगा मांगा का, और उसके बाद हम आगे जाएंगे अपनी मोटर बोट का जो है वो चक्कर लगा के आएंगे। और उसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा हम खेल चुके हैं, खेल खेल के थक गए हैं क्रिकेट यहाँ पे। तो ये हम आगे हैं अपनी मोटर बोट पे, और बहुत ज़्यादा शोर है इसमें इसलिए मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी है।
ये देखिए काफी तेजी से ये चल रही है मोटरबोट, और बहुत बड़ी झील है ये, आप देख सकते हैं। उस वक्त आपको सही अंदाजा नहीं हो रहा था। ये देखिए इस झील के अंदर दरमियान में, पानी के दरमियान में एक हट सी बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आप आके तस्वीरें वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। पानी के अंदर ये हट बनाई गई है और ये झील काफी बड़ी है और काफी वसी पैमाने पे इसको तैयार किया गया है। ये भी इंसानी हाथों से बनाई गई झील है और यहाँ पे ये जो उन्होंने डिफरेंट किस्म के आप देखिए बनाए हुए हैं कि जहाँ से आप किश्तियों में सवार हो सकते हैं, बेड़े बनाए हुए हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। अभी तो काफ़ी जंगल यहाँ पे कट चुका है, दरख्त कट चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक यहाँ पे ग्रीनरी मौजूद है। और ये ब्रिज है, यहाँ से जब आप गुजरेंगे ब्रिज के ऊपर से, तो ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हिलता है और बड़ा ख़तरनाक किस्म का ब्रिज है। कमज़ोर दिल हजरात ध्यान से यहाँ पर जाए। मोटर बोट का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा हमारा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किश्ती रानी में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे आप किश्ती में सवार होके अपनी फैमिली के साथ इस बाग का एक चक्कर लगा सकते हैं। तकरीबन ये सेंटर वाला एक पार्क इन्होंने जजीरा नुमा बनाया हुआ है, जहाँ पे आप यहाँ से किश्ती में बैठ के सफ़र करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे किश्ती का। किश्ती में आप सफ़र करते हैं और काफ़ी इंजॉयमेंट है यहाँ पे। इसके साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप जब भी यहाँ पे आएँ तो किश्ती में ज़रूर सफ़र कीजिएगा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ये, और ये काफ़ी सेफ है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। बच्चों का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसमें और बड़ा यादगार सफ़र रहता है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अंकल मुन्ना, आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।